दिन एक ऐसा योद्धा पैदा होगा, जो अमर होगा वो योद्धा मरेगा नहीं, सिर्फ मारेगा। हाँ, थिएटर्स में अपने फैन को, क्योंकि बाकी तो कोई गणपत देखने जाएगा नहीं। मैंने बोला था ना तेरे को कि देखना कहीं 2.0 ना बन जाए, पर मेरी सुंदा को ना यह सब साल आपने मन की ही करते हैं। तू है कौन रे? अब कांड हो ही गया है तो चलो अपना गंभीर मजाक भी कर लेते हैं, हम क्यों पीछे रहे। तो जब मैंने टीजर देखा था तो मैं मेकर्स से काफी नाराज था। बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते जैसी हालत हो गई थी, और सच को तो टाइगर के फैंस की भी फटी पड़ी थी। लेकिन कमेंट में गाली देने से ये पीछे नहीं हटते भाई, इसे ही तो कहते हैं अंधभक्ति। तो टीजर में जो एक दो शॉट अच्छे थे उससे मैंने उम्मीद बनाई रखी और सोचा कि ट्रेलर अपने को निराश नहीं करेगा, लेकिन ट्रेलर तो टीजर के मुकाबले और बड़ा बवाल कर गया। अबे मैं सोच रहा था ये डिस्टोपियन फ्यूचर दिखा रहे हैं या फिर टाइगर श्रॉफ का फ्यूचर, क्योंकि इन्होंने ट्रेलर के हर शॉट में हगा है। मेरी बची खुची उम्मीद की आंखों पर पानी फेर दिया। और मुझे एक बात बताओ बे, तुम फ्यूचर बना रहे थे या फिर पास्ट बना रहे थे? ये ऐसी दिखेगी फ्यूचर की दुनिया जहाँ पर खाने पीने के वांदे हैं, पर सब नए कपड़े पहन रहे हैं, चारों तरफ सूखा पड़ा है और टाइगर श्रॉफ पर फूलों की पंखुड़ियाँ फेंकी जा रही है। साला रेगिस्तान में फूल उगा दिया, बनाने से पहले सोच तो लिया करो, हर बात में बॉलीवुड घुसेड़ने की जरूरत नहीं है। और कसम से कह रहा हूँ, इतना बुरा VFX और CGI बना है कि ये बिल्डिंग फ्यूचर्स की कम और अभी के पास्ट के वीडियो गेम की ज्यादा लग रही है। डायरेक्टर साहब, बड़ी सोच रखने से कुछ नहीं होता, काम भी बड़े करने पड़ते हैं, पर ये कहाँ समझेंगे। बॉलीवुड की तो पुरानी आदत है किसी हॉलीवुड फिल्म का आइडिया उठाकर कबाड़ा करना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और ऑडियंस भी वैसे ही है। अब क्योंकि इसमें टाइगर छलांगे मार रहा है तो जो भी लोग गणपत के खिलाफ बोलेंगे उनके खिलाफ 100 लोग खड़े हो जाएंगे गणपत मूवी को गलत से सही करने के लिए। लेकिन तुम्बाड़ जैसी फिल्में जिनमें सिर्फ 5 करोड़ के बजट में VFX, BGM, स्क्रीन प्ले सब कुछ कड़क मिलता है उसे इग्नोर कर देंगे, क्योंकि उसमें स्टार नहीं है ना। वो साउथ की आई एलियन की मूवी देख लो जिसका बजट सिर्फ 100 करोड़ के आसपास है, और इधर 200 करोड़ होकर भी आदिपुरुष 2.0। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हॉलीवुड की कॉपी करना छोड़ो, कुछ अपना बनाओ। हॉलीवुड को भी तुम्हारी फिल्मों का इंस्पिरेशन लेने का मौका दो। वो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, इसलिए हर बार जब तुम कॉपी करोगे तो वही होगा। सिर्फ नाम डिस्टोपियन फ्यूचर रखने से काम नहीं बनता, हरकतें आपकी वही गंदी बॉलीवुड वाली है जो तुमको चेंज करनी ही पड़ेगी। और साला फ्यूचर में भी इनके हीरो का नाम गुड्डू है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं और टाइगर को ऐसे नाम देता कौन है? गुड्डू, मुन्ना, चिंटू, पिंकू, बबलू। हीरो है कि 12 साल का बच्चा है, और 2070 में भी गाने खत्म नहीं हो रहे, ये तो हद हो गई। लोग इधर अलग अलग प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं और अपने हीरो हीरोइन डिस्को में जाकर गाने गा रहे हैं। और साला कभी कभी ना मुझे इंडियन मेकर्स पर बड़ा गुस्सा आता है, ये अपनी टिपिकल थिंकिंग से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। मूवी चाहे जैसे भी हो, मूवी में गाने तो होंगे ही, इधर 5 मिनट पहले गुंडे ने हीरो का सारा परिवार मार दिया, खल्लास, और ये साला हीरोइन के साथ रोमांटिक गाने गा रहा है। बताओ, घोर कलयुग। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। इतनी सीरियस फिल्म में गाने के लिए कोई जगह ही नहीं होती, कब समझोगे। और ऊपर से टाइगर श्रॉफ, इस बंदे के अपने फैन छोड़ के सारी दुनिया इसे कह चुकी है कि बेटा एक्शन के नाम पे डांस करना छोड़ दे, कुछ नया कर। कुछ लोग तो मीडिया में इनसे डायरेक्ट टू डायरेक्ट ये बात कह चुके हैं, पर ये है कि मानने को तैयार नहीं है, पर बड़े चालाक है। फिल्में ऐसी चूज करती है जिसमें स्टोरी और एक्टिंग का कोई रिश्ता नहीं होता, बस टैंक, हेलीकॉप्टर, बंदूकें, बिल्डिंगें, इन सब के साथ एक्शन सीन्स होते हैं, और न जाने ये कब से वही कर रहे हैं। पर सीरियसली, जिस जॉनरा को डायरेक्टर ने चूज किया था उसमें ऐसा बहुत कुछ था दिखाने के लिए जो कि एक्चुअली में इंडियन ऑडियंस के लिए एकदम नया और फ्रेश कंटेंट होता, पर इन्होंने इतना कुछ छोड़ के बस टाइगर के टांगों पर ही ध्यान दिया। काश डायरेक्टर साहब समझ पाते कि उनके पास भी वही दो टांगे हैं। क्या बोला तूने? मतलब कि एक्शन की जगह अगर मूवी के क्वालिटी पर ध्यान दिया होता तो आज इनका छोटा आदिपुरुष नहीं होता। और टाइगर के पास भी कई मौके आते होंगे कुछ नया करने के, पर वो हर बार ऐसी फिल्में चूज करके ये साबित करते रहते हैं कि वाकई में किसी और एक्टर की आए या ना आए इनकी कभी नहीं जाएंगी। क्या अबे मुझे नहीं पता क्या। पर आखिर मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसी बकचोदिया आप बंद करो। बड़ी मुश्किल से SRK ने बॉलीवुड को वापस इज्जत दी है, उसको डुबाने का काम बंद करो। जरा सी और मेहनत करने से आप अच्छी फिल्म दे सकती हो तो क्यों कामचोर बनते हो। वैसे भाई लोग, मैंने सोचा था कि अब फिल्मी रोस्ट की अपनी सीरीज को बंद कर दूंगा, पर फिर याद आया कि ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर मैं ऐसी फिल्मों का विरोध नहीं करूंगा तो कौन आपको सच बताएगा, एक मैं ही तो हूँ। तू है कौन रे?
और अगर हम आज ऐसी फिल्मों का विरोध नहीं करेंगे तो फिर गदर 2 जैसी फिल्में हिट होने लगेंगी और OMG 2 जैसी फ्लॉप। बहुतों को तो पता भी नहीं है कि इनमें से कौन सी फिल्म अच्छी थी। खैर, मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ, ट्रेलर देखने के बाद मेरी गणपत मूवी से कोई उम्मीदें नहीं है। पर तुम्हें ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन इसके बारे में क्या सोचता है। और हाँ, हमने लियो के ट्रेलर पर भी बात की है, वीडियो तुम्हारे लेफ्ट साइड में है। तो फिर अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो फिर मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।